गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं संडे को मैं लेके आता हूं जबरदस्त मोटिवेशनल सारी और आप लोग जिससे मोटिवेट हो पाते, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जबरदस्त शायरी के साथ। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, आईपीएल देखने से पूरे नहीं होगे ख्वाब। मुश्किलों से निकलना सीख ले वरना यही मुश्किलें बनाएगी दबाव। तो एक बार फिर से हो जाए पहला शायरी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, आईपीएल देखने से पूरे नहीं होंगे ख्वाब, मुश्किलों से निकलना सीख ले वरना यही मुश्किलें बनेगी दबाव। तो आज का पहला शायरी उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ आईपीएल, अभी आईपीएल के चक्कर में पड़े हैं, सिर्फ आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल से हट करके ना पढ़ाई की बात करते हैं ना पढ़ाई पर फोकस करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हैं लेकिन पढ़ाई पे नहीं करते। तो ये शायरी सिर्फ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए था। तो आइए बढ़ते दूसरा शायरी। पेरेंट्स आपका हर काम करते हैं, पेरेंट्स आपका हर काम करते हैं फिर भी आप आराम करते हैं, पेरेंट्स आपका हर काम करते हैं फिर भी आप आराम करते हैं, सपने इस तरह पूरा नहीं होते मेरे दोस्त, सक्सेस वही होते हैं जो मेहनत सुबह शाम करते हैं। तो एक बार फिर से, क्योंकि ये दूसरा शायरी बहुत ही जबरदस्त है और सिर्फ आपको डेडिकेटेड मैं हर शायरी करता हूं, आपके सपनों के लिए डेडिकेट करता हूं, तो चलिए फिर से बोल देता हूं। पेरेंट्स आपका हर काम करते हैं फिर भी आप आराम करते हैं, सपने इस तरह से पूरा नहीं होते मेरे दोस्त, सक्सेस वही होते हैं जो मेहनत सुबह शाम करते हैं। आइए बढ़ते तीसरे शायरी की ओर। क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, विक्रम ट्यूटोरियल के बस साथ चलो इस दूध मिलेगा शक्कर में। अच्छे हो तुम बस बेहतर बनाना है, अच्छे हो तुम बस बेहतर बनाना है, इस छोटी सी जिंदगी में आपके लिए कुछ कर जाना है। तो एक बार फिर से मैं हर शायरी दो बार इसलिए बोल देता हूं ताकि वो आपके दिल तक पहुंचे, और मैं फिर से वही बात बोलता हूं कि आपके दिल तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से जरूर कमेंट करें, बहुत ही कम कमेंट आता है। और साथ ही साथ मेरा वीडियो को जो अगर थोड़ा सा लाइक अगर मतलब अच्छा लग जाता है तो दोस्तों तक शेयर करें इस मोटिवेशनल शायरी, कम से कम मोटिवेशनल शायरी तो शेयर कर ही सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शायरी की ओर। न थक जाना मेरे दोस्त, न थक जाना मेरे दोस्त, मैं तो तेरे साथ हूं, फालतू चीजों को त्याग दें, मैं तो बस विश्वास हूं, सुधरना और बिगड़ना तो बस आपके हाथ है, सुधरना और बिगड़ना तो बस आपके हाथ है, अच्छा काम के प्रेरणा का मैं तो बस एहसास हूं, न थक जाना मेरे दोस्त मैं तो तेरे साथ हूं, फालतू चीजों को त्याग दें, मैं तो बस विश्वास हूं, सुधरना और बिगड़ना तो बस आपके हाथ है, अच्छा काम के प्रेरणा का मैं तो बस एहसास हूं। आज का अंतिम शायरी की ओर बढ़ते हैं और अंतिम शायरी से हम लोग समाप्त करेंगे। तो जिद्दी बनो जुनूनी बनो मत कर आराम, जिद्दी बनो जुनूनी बनो मत कर आराम, अभी तो बस स्टार्ट है, बहुत ज्यादा मिलेगा मुकाम। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जिद्दी बनो जुनूनी बनो मत करो आराम, अभी तो बस स्टार्ट है, बहुत ज्यादा मिलेगा मुकाम, ईश्वर तो बस एक है, चाहे रहीम बोलो या राम, मिलजुल कर आगे बढ़ो सब, सुपर में आ जाएगा देश का नाम। तो हर शायरी जो मैं कोशिश करता हूं कुछ देश के लिए, कुछ देश के हित में बोलने के लिए, जो ताकि हमारा देश यूनिटी होकर यूनाइट होकर के हमारे देश एक दूसरे से वो महागुरु बने जो पहले हुआ करता था। तो लास्ट शायरी मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं, अपने देश को मैं पूरे दुनिया में नाम करवाना चाहता हूं, ताकि वो हमारे देश के लोग जो बिछड़े हैं, जो यूनाइट नहीं है, यूनाइट करके हमारे देश को आगे ले जाएंगे। तो जिद्दी बनो जुनूनी बनो मत कर आराम, अभी तो बस स्टार्ट है, बहुत ज्यादा मिलेगा मुकाम, ईश्वर तो बस एक है, चाहे रहीम बोलो या राम, मिलजुल कर आगे बढ़ो सब, सुपर में आ जाएगा देश का नाम। तो आज का शायरी, कौन सा शायरी आपके दिल तक छुआ और छुआ या नहीं छुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे हमेशा संडे को आता है जबरदस्त मोटिवेशन शायरी, उसे जरूर से जरूर देखें और सभी दोस्तों तक फैला दें, पूरे दुनिया में, पूरे भारत ही नहीं, पूरे भारत के बाहर भी इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करें अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है जरूर शेयर करें, और खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने माँ बाप का कहना जरूर माने, और जाते जाते यही कहूंगा कि जो सपने देखते हैं उसे पूरा करने का दम भी रखें। थैंक यू।